हेलो स्टूडेंट्स, ग्रेड अप डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेसिक थिंग्स इंग्लिश से रिलेटेड, वो हैं आपकी बेस फॉर्म्स, यानी कि वर्ब की फॉर्म जो है उसको हम किस टाइप से सेकेंड और थर्ड फॉर्म में रखेंगे और उनकी क्या मीनिंग होगी उसके ऊपर हम बात करें। सारे स्टूडेंट्स को वर्ब की फॉर्म बहुत ही अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि एक्टिव से जब हम पैसिव करते हैं, उसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स है सेंटेंस को समझने के लिए भी हमें वर्ब की फॉर्म बहुत ही अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेसिक चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहाँ पर फर्स्ट हमारी जो वर्ब की फॉर्म है दैट इज़ अबाइड, जैसा कि आपको दिख रहा है। और अबाइड जो है इसकी जो सेकेंड फॉर्म है बनेगी दैट इज़ अबोर्ड, एंड थर्ड फॉर्म ऑल्सो अबोर्ड, और मीनिंग क्या होगा? पालन करना। जो बेस फॉर्म होती है वर्ब की, जो फर्स्ट फॉर्म है उसे हम बेस फॉर्म बोलते हैं, और जो बेस फॉर्म है वो हमेशा ध्यान रखिएगा मॉडल्स के साथ यूज़ होती है। और सिंपल पास्ट यानी पास्ट सिंपल की बात कर लें, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है उसे हम कौन से टेंस में यूज़ करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हम यूज़ करते हैं। तो आप ये चीज़ भी अच्छे से ध्यान रखिएगा, ओके। और पास्ट जो थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट या पास्ट पार्टिसिपल, थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट होता है बेटा। पास्ट पार्टिसिपल एज सच एडजेक्टिव होता है, यानी कि विशेषण होता है, तो यहाँ पर हम इसे सिंपल थर्ड फॉर्म कहेंगे। क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट जो सेशन होगा जिसके अंदर मैं बताऊंगी आपको पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, लेकिन अभी आप इस सिर्फ इतना समझिए कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है अबोर्ड, जो परफेक्ट टेंस के अंदर हम यूज़ करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखें, और उसके अलावा पैसिव में यूज़ करते हैं हमेशा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव में यूज़ होती है। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट सेकंड फॉर्म, मतलब सेकंड वर्ड है दैट इज़ अब्यूज़, एंड सेकंड फॉर्म इसकी जो बनेगी अब्यूज्ड, एंड थर्ड फॉर्म आल्सो अब्यूज्ड, ध्यान रखिएगा। जिसका मतलब क्या होता है, किसी की निंदा करना भी कह देते हैं, या फिर किसी को क्या करना, गाली देना। नेक्स्ट वर्ड इज़ एडमायर, एडमायर का मतलब होता है किसी की क्या करना, प्रशंसा करना। और ये जितनी भी वर्ब्स बता रही हूँ वो एक्शन को मतलब रिप्रेजेंट करती हैं, एक्शन को डिनोट करने वाली वर्ब जो हैं ये इनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर थर्ड वर्ड जो था हमारा, यानी कि वर्ब थी थर्ड हमारी एडमायर, जिसका सेकेंड फॉर्म एडमायर्ड एंड थर्ड फॉर्म आल्सो एडमायर्ड बनेगा, याद रखिएगा। मीनिंग क्या है? प्रशंसा करना। अब नेक्स्ट जो वर्ड है यानी कि वर्ब है हमारी फोर्थ, दैट इज़ अलाव। और अलाव जो है इसकी सेकेंड फॉर्म बेटा क्या बनती है? अलाउड। और थर्ड फॉर्म भी हमारी क्या बनेगी? अलाउड। उसके अलावा इसका मीनिंग क्या है? आज्ञा देना किसी। और नेक्स्ट जो हमारी वर्ब है दैट इज़ फिफ्थ, अपीयर, जिसका मतलब होता है प्रकट होना। और सेकेंड फॉर्म इसकी बनेगी अपीयर्ड, एंड थर्ड फॉर्म ऑल्सो अपीयर्ड, याद रखिएगा आप लोग। सेकेंड और जो थर्ड फॉर्म है वो अभी तक आपने जितनी भी वर्ब्स देखी उनकी जो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म थी वो क्या थी? सेम थी। हमने अभी तक देखी ये वर्ब और इनकी जो है फर्स्ट और मतलब सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम थी। अब हम नेक्स्ट वर्ब देख रहे हैं दैट इज़ अप्लाई, और अप्लाई की भी सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या है? सेम है, अप्लाइड, अप्लाइड। तो इसका मीनिंग क्या है? आवेदन करना किसी चीज़ का। उसके अलावा नेक्स्ट वर्ब देख लें दैट इज़ अराइज, ये इम्पॉर्टेंट वर्ब है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। अराइज, और सेकंड फॉर्म बनती है इसकी अरोज, एंड थर्ड फॉर्म इज़ अराइजन, याद रखिएगा। अराइजन बनेगी, जिसका मतलब उठना या फिर उदय होना। नेक्स्ट वर्ब देख रहे हैं दैट मीन्स अराइव, और अब अराइव का मतलब पहुंचना, याद रखिएगा। अराइव के बाद में प्रीपोजिशन एट, इन, ऑन का यूज़ नहीं होता है। कई बच्चे अराइव के बाद एट का यूज़ कर देते हैं, तो अराइव के साथ प्रीपोजिशन का यूज़ मत कीजिएगा आप लोग, ध्यान रखें इस चीज़ को।
अराइव की सेकेंड फॉर्म क्या बनेगी? अराइव्ड, एंड थर्ड फॉर्म ऑल्सो अराइव्ड. नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा, यानी कि वर्ब है, दैट इज आस्क. और आस्क की सेकेंड फॉर्म क्या बनेगी? आस्क्ड. और थर्ड फॉर्म भी आस्क. वैसे डी जो होता है वो बिल्कुल ही साइलेंट रहता है बोलते वक्त, लेकिन बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, तो इसलिए डी बोलना पड़ता है. लेकिन इसे अगर एप्रोप्रिएट देखें तो आस्क, फर्स्ट फॉर्म आस्क, आस्क यही बोला जाएगा, डी इसका हम साइलेंट रखते हैं. चलिए तो नेक्स्ट वर्ब के ऊपर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, दैट इज़ अटैक. और जो अटैक है उसके साथ में बच्चों याद रखिएगा, अटैक के साथ प्रपोजिशन ऑन का यूज़ नहीं होता है. जैसे इंडिया अटैक्ड ऑन पाकिस्तान, तो ऑन का यूज़ आप मत कीजिए. काफ़ी बच्चे कर देते हैं जो कि गलत है. अटैक का मतलब क्या होगा? आक्रमण करना. और इसकी जो सेकेंड फॉर्म है वो अटैक और अटैक बनेगी. चलिए नेक्स्ट वर्ब जो है हमारी 11, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, आप हाईलाइट करें इसे, बहुत अच्छे से ध्यान रखें. दैट इज़ अवेक. एंड नेक्स्ट इज़ अवोक. अवोक इसकी सेकेंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म इज़ अवेकन. आप देखिए बेटा, हमने यहाँ से रिमूव किया पार्टिसिपल और थर्ड फॉर्म में क्या डिफरेंस है, वही मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ. बहुत ही अच्छे से आप लोग समझिएगा. यहाँ पर ये जो वर्ड है अवेक, जिसकी हमने फॉर्म क्या बनाई बच्चों? सेकेंड अवोक, एंड थर्ड फॉर्म इज अवोकन और अवेकन. आपको दो दिख रही हैं, लेकिन अब आपको समझना है यहाँ पर ये जो अवेकन है दैट इज़ V3, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म. और जो अवोकन है, मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ध्यान से समझिएगा, दैट इज पार्टिसिपल. ये पार्टिसिपल है, बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा, दैट इज पार्टिसिपल. आप कहेंगे कि मैम पार्टिसिपल क्या है? पार्टिसिपल क्या है बेटा? किसी भी सेंटेंस में क्रिया का वो रूप जो विशेषण की तरह काम में लिया जाए उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं. जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ, ही हैज अवेकन्ड. यहाँ पर मैंने लिखा, तो ये हैज के बाद में कौन सा फॉर्म होगा? थर्ड फॉर्म. दिस बॉय इज, अब यूज करूंगी अवोकन. अब यहां ध्यान रखें, इस जो है वो एज सच लिंकिंग वर्ब है. अब आप कहेंगे कि मैम लिंकिंग वर्ब क्या है? तो बेटा लिंकिंग वर्ब जो होती हैं, मैं टॉपिक आपको पढ़ाऊंगी, जो कि किसी भी सेंटेंस में स्टेट को डिनोट कर रही है. और स्टेट क्या है? ये अवोकन, मतलब जागा हुआ सा है, जो बच्चा है वो जागी हुई अवस्था में है. तो ये स्टेट को डिनोट कर रही है. स्टेट मीन्स ये विशेषण की तरह, यानी कि सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है. ध्यान रखें, कभी भी इसे वर्ब की तरह यूज़ मत कीजिएगा. बहुत बार बच्चे इस चीज़ को क्लियर नहीं कर पाते हैं. जब भी आपको वर्ब की दो फॉर्म मिलती हैं तो आप ध्यान रखें कि कौन सी वर्ब की फॉर्म जो है वो एडजेक्टिव पार्टिसिपल है या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है. तो आप बहुत ही अच्छे से क्लियर करें. बेसिक चीज़ें जो हैं मैं इसके साथ आपको बता रही हूँ. तो अवेक, अवोक, अवेकन इसकी थर्ड फॉर्म, एंड अवोकन इज एन एडजेक्टिव, ये विशेषण है, एडजेक्टिव में भी पार्टिसिपल. चलिए हम नेक्स्ट सेशन जो होगा उसके अंदर हम बात करेंगे लिंकिंग वर्ब की. आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? काफ़ी बच्चे मुझसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछते हैं और बच्चे बोलते हैं कि मैम हमें समझ नहीं आता है कि लिंकिंग वर्ब क्या है, पॉजिटिव वर्ब क्या होती हैं, एक्शन से रिलेटेड वर्ब्स कौन सी होती हैं. तो बच्चों जितनी भी मैंने अभी वर्ब आपको बताई, 10 यानी कि 11, वो कौन सी वर्ब हो गई? एक्शन को डिनोट करने वाली वर्ब हो गई. चलिए तो नेक्स्ट हम वर्ब पे बात कर रहे हैं, दैट इज़ बी. और बी को भी बेटा लिंकिंग वर्ब कहते हैं, जो किसी भी लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं. जब किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की तरह काम हेल्प करेंगी मेन वर्ब को तो हेल्पिंग वर्ब,
और जब किसी सेंटेंस में अवस्था को या किसी आइडिया से रिलेट करने का काम करेंगी तो ये लिंकिंग वर्ब बन जाएंगी। तो इसकी जो सेकेंड फॉर्म बनती है दैट इज वॉज वर एंड थर्ड फॉर्म इज बीन। अब इसके अंदर एक चीज़ और समझिएगा, जो बी की फॉर्म है वॉज वर का, अगर आपको प्रेजेंट फॉर्म पूछा जाए तो आप इसका जो प्रेजेंट फॉर्म इज एम आर कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखें आप लोग, इसकी जो प्रेजेंट फॉर्म होगी दैट विल बी इज एम आर। ठीक है, और सेकेंड फॉर्म इसकी क्या होगी, वॉज वर, एंड थर्ड फॉर्म इज बीन। और जब बी की फॉर्म्स जो होती हैं अपने आप में भी है, जिसकी कि सेकेंड फॉर्म बी बीन और थर्ड फॉर्म बीन के रूप में काम में ली जाती है। ये पैसिव फॉर्म जब होती है, मॉडल्स होते हैं जहाँ पर हमें एसएच वर्ब नहीं दे रखी है वहाँ पर हम यूज़ करते हैं, और पैसिव जो सेंटेंसेस बनते हैं जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ हम बी की फॉर्म का यानी कि बीन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो बी की फॉर्म बनी यानी कि इज एम आर, वॉज वर इसकी सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म इज बीन, जिसका मतलब क्या है, होना किसी चीज़ का। और नेक्स्ट वर्ब जो है हमारी दैट इज बियर, बियर की सेकेंड फॉर्म बनी है बोर एंड थर्ड फॉर्म इज बॉर्न एंड नेक्स्ट फॉर्म इज बॉर्न। अब आप कहेंगे कि मैम दो फॉर्म हैं इसके, तो बच्चों बहुत ही अच्छे से क्लियर कीजिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया है क्या है, बियर जो फॉर्म है वर्ब की इसके अंदर भी हम इनको अगर अलग अलग करें तो बियर बोर एंड थर्ड फॉर्म इज बॉर्न। इसका मतलब होता है पैदा करना या फिर जन्म देना, ध्यान रखें पैदा करना या जन्म देना। और जो नेक्स्ट फॉर्म बता रही हूँ दैट इज बियर, और बियर की जो सेकंड बनेगी दैट इज बोर एंड थर्ड फॉर्म इज बॉर्न, यानी कि इसके अंदर क्या है, ई का है। तो यानी आपको क्लियर हो रहा होगा बच्चों कि जो सेकेंड फॉर्म और बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट और सेकेंड फॉर्म है वो तो सेम है, लेकिन जो थर्ड फॉर्म है वो चेंज है। तो ये आपको डिफरेंस भी क्लियर करना है। तो अभी हमने 13 वर्ब्स पे वर्कआउट किया यानी कि 13 वर्ब को याद किया, अब हम नेक्स्ट, और तो हमारी नेक्स्ट जो वर्ब है दैट इज बीट, और बीट जो है जिसका मतलब क्या होता है, पीटना, और इससे रिलेटेड पैसिव फॉर्म कई बार पूछा जाता है यानी कि सेंटेंस एक्टिव टू पैसिव बनाने के लिए पूछा जाता है। तो जो सेकंड फॉर्म बनेगी याद रखिएगा ये इम्पॉर्टेंट है, बीट ही बनती है सेकंड फॉर्म, लेकिन थर्ड फॉर्म क्या बनती है, बीटन। काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, और जो मैं बच्चों वर्ब की फॉर्म आपको बता रही हूँ वो आपको लर्न होनी चाहिए, एनी हाउ यू हैव टू लर्न इट दीज वर्ब्स। तो बीट की सेकेंड फॉर्म सेम ही रहेगी यानी कि बेस फॉर्म एंड सेकेंड फॉर्म आर सेम, एंड थर्ड फॉर्म इज बीटन, जिसका मतलब हिंदी में क्या बताया अभी मैंने आपको, पीटना। तो नेक्स्ट अब हम वर्ब देख रहे हैं दैट इज बिकम, और सेकेंड फॉर्म सेम, जैसे आप कम की फॉर्म आपको याद हो तो कम केम कम, लेकिन बिकम जो है वो मीनिंग चेंज होगा इसका, बिकम का मतलब बन जाना या किसी चीज़ का होना, याद रखिएगा। तो इसकी सेकेंड फॉर्म बिकेम बिकम, यानी फर्स्ट एंड थर्ड आर सेम एंड सेकेंड फॉर्म इज डिफरेंट। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट वर्ब दैट इज बिगेट, और देखिएगा अभी इसमें दो वर्ब हैं, तो ये वाली जो फॉर्म है बिगेट जिसकी सेकेंड फॉर्म बिगॉट एंड थर्ड फॉर्म इज बिगॉटन बिगॉट, एंड दिस वन इज, मैं हाईलाइट कर रही हूँ, दिस वन इज अभी बताया था आपको क्या है, ये पार्टिसिपल। क्या मतलब होता है, उत्पन्न करना, किसी चीज को उत्पन्न करना या पैदा करना, इजाद करना भी बोल देते हैं, ठीक है, यानी उत्पन्न किया हुआ यानी किसी की विशेष, दिस इज बिगॉटन थिंग, या कोई भी चीज जो है वो इजाद की हुई है। कब की गई थी किसी चीज़ को अगर टाइम भी बताना चाहो तो ये पास्ट पार्टिसिपल यानी कि पास्ट
ये एडजेक्टिव पार्टिसिपल हम इसे कहेंगे जो वर्ब से ही बना है लेकिन विशेषण की तरह किसी वाक्य में काम में लिया जाएगा। याद रखें इस चीज़ को, मैं वापस बोल रही हूँ आपको, बी गैट एंड सेकेंड फॉर्म इज़ बी गॉट एंड थर्ड फॉर्म इज़ बी गॉट एंड बी गॉटन इज़ एन एडजेक्टिव एडजेक्टिव पार्टिसिपल। चलिए नेक्स्ट अब हम वर्ब देख रहे हैं, दैट इज़ बिगिन एंड बिगिन सेकेंड फॉर्म, यानी ए का डिफरेंस है, एंड थर्ड फॉर्म इज़ बिगन, जिसका मतलब क्या है बेटा, शुरू करना, किसी चीज़ की शुरुआत करना। ध्यान रखिएगा, अब इसमें जो है बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो है इसकी आईएनजी फॉर्म क्या बनेगी। तो ध्यान से समझिएगा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बिगिन का आईएनजी फॉर्म, बच्चों ध्यान रखें, डबल एन आईएनजी बनेगा। याद रखिएगा, अब ऐसा क्यों, जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी की बात करें, कई बच्चे कम जो है, कम की फॉर्म सी ओ एम फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन जब हम इसकी आईएनजी फॉर्म बनाते हैं दैट इज़ कमिंग, अब इसके अंदर एम डबल नहीं होगा। कई बच्चे इसी चीज़ को कंफ्यूज कर लेते हैं, तो जिसके लास्ट में मतलब कि वॉयल का आता है तो हम उसे रिमूव करके आईएनजी लगा देते हैं, लेकिन इसमें कॉन्सोनेंट एंड देन वॉयल का यूज़ किया गया है तो हम डबल एन का यूज़ करेंगे यहाँ पर। ये आईएनजी फॉर्म को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए तो हम यहाँ पर बात करें, बिगिन का मतलब शुरू करना, एंड सेकेंड फॉर्म इज़ बिगिन एंड थर्ड फॉर्म इज़ बिगन। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड इज़ बीहोल्ड, जिसका मतलब क्या होता है बच्चों, निहारना या किसी चीज़ को ध्यानपूर्वक क्या करना, देखना। याद रखिएगा, बी होल्ड एंड सेकेंड फॉर्म इज़ बी हेल्ड, हेल्ड हो जाएगा, एंड थर्ड फॉर्म ऑल्सो हेल्ड, बी हेल्ड। नेक्स्ट हम बात करें वर्ब पर, दैट इज़ बैंड, और बैंड का मतलब क्या होता है, झुकना, और इसकी जो सेकेंड फॉर्म बनेगी दैट विल बी बैंड एंड थर्ड फॉर्म ऑल्सो बैंड, यानी तीसरा जो फॉर्म है वो भी बेंट बनेगा। अब आप एक चीज़ यहीं पर ध्यान रखें बच्चों, कि जो बेंट है इसके साथ में जो प्रीपोजिशन यूज़ होता है वो ऑन यूज़ होता है इसके साथ, बेंट ऑन, किसी चीज़ पर झुकना। चलिए नेक्स्ट, ये जो 20th वर्ब बता रही हूँ ये बहुत बार पूछी गई है, वर्ब के रूप में मतलब वोकैब में पूछा गया, ब्रीव वर्ब की फॉर्म है, ब्री, जिसकी जो सेकेंड फॉर्म बनती ब्रेफ्ट एंड थर्ड फॉर्म इज़ बिरेफ्ट, और इसका हिंदी में मतलब होता है किसी को असहाय छोड़ना या शोकाकुल होना, दुख में होना भी कह देते हैं। तो आज के लिए हम इतनी ही वर्ड्स पे बात करेंगे, नेक्स्ट जो सेशन होगा उसके अंदर कुछ और वर्ब पे हम बात करेंगे, साथ में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊँगी, बेसिक इंग्लिश के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे भी हम बात करेंगे कि किस तरीके से चीज़ें जो हैं डिफाइन होती हैं या उनका क्या यूज़ है। उसके अलावा आप लोगों को कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा हो तो आप मेरे YouTube चैनल पे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर लिख दूँगी। और उसके अलावा कोई आपको टॉपिक जो बहुत आपको कन्फ्यूज़ कर रहा हो तो आप वो भी मुझे सेंड कर सकते हैं।